LSIS की करंट खबरों में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी का पहला संस्करण जारी किया है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, लेकिन अतीत में इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। डोगरी में संविधान का अनुवाद जम्मू और कश्मीर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। संविधान का डोगरी संस्करण इस भाषा को बोलने वाले लोगों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, सरकार के कामकाज और देश में विभिन्न संस्थानों की भूमिका को समझने में मदद करेगा। जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों जहां डोगरी बोली जाती है के लोगों के बीच संविधान के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए संविधान के डोगरी संस्करण को जारी किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और डोगरी भाषा के बारे में जानते हैं। यह उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर, साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली एक प्रमुख स्थानीय भाषा है। यह भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की एक आधिकारिक भाषा भी है। वर्ष 2003 में डोगरी को भारतीय संविधान में भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। भद्रवाही, चमियाली, कोगली और किस्तवारी डोगरी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। डोगरी भाषा की लिपि टाकरी या टक्करी है। यह लिपि काफी पुरानी है। गुरुमुखी लिपि का प्रादुर्भाव इसी लिपि से माना जाता है। आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया था। इस प्रदेश की राजधानी श्रीनगर है। वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। यहाँ विधान परिषद की 36 सीटें हैं और विधानसभा की 89 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोटेश्वर सिंह हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डाउनलोड द LSIS ऐप एंड नए पेज की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।